हम लोग को जो नया कन्वर्जन है 8.11 का है चैप्टर नंबर 10, तो प्रोपेन टू प्रोपाइन कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले जो है इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्रोपेन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, ये जो है प्रोपेन, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, प्रोपाइन में बदलना है। तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो संभव नहीं है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में करना है तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ट्रिपल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि हमको ट्रिपल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उस सिंगल बॉन्ड से हमको जो है ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कराएंगे। तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कराएंगे, हैलोजनेशन करा देंगे, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स बनेगा, फिर बीटा एलिमिनेशन दो बार करा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो टारगेट क्या है कि हमको ट्रिपल बॉन्ड लाना है जहाँ डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बटाने का कोई हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन एल्कीन से अल्काइन डायरेक्टली नहीं बनता है, उसके लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, डायरेक्ट इससे उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे, तो ये तो संभव है हैलोजनेशन के थ्रू, इसलिए हम लोग पहले हैलोजनेशन करेंगे, ठीक है। तो हैलोजनेशन हम लोग करा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग ब्रोमीन लिक्विड दे देंगे, क्या दे देंगे, ब्रोमीन लिक्विड इसमें दे देंगे। ब्रोमीन लिक्विड क्या बनता है, बनाता है विसिनल डाइहैलाइड्स बनाएगा, विसिनल डायलाइट्स बनाएगा। ब्रोमीन लिक्विड क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा। ब्रोमीन लिक्विड का यहाँ एडिशन हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जब कोई भी हाइड्रोजन का अटैक होता है तो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। तो इधर एक ब्रोमीन आ गया, इधर भी एक ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स बन गया, इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हमको, अब हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लाना होगा, ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो पहले डबल बॉन्ड लाएंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे। डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या, हेलोजन, अब तो ये हेलोजन है ना, ये क्या है, हेलोजन है, हेलो अल्केन है, ये क्या है, हेलो अल्केन। इस हेलो एल्केन को हमको अनसैचुरेशन लाना है, क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, हेलो एल्केन में जब हम अनसैचुरेशन लाते हैं तो हम कौन सा रिएक्शन कराते हैं, डबल बॉन्ड लाते हैं तो कौन सा रिएक्शन कराते हैं, बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद फिर से एक बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हेलोजन प्रेजेंट है तो बीटा एलिमिनेशन करा देंगे, यानी डी हाइड्रो हेलोजनेशन होगा। अब इसका क्या कराएंगे, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एल्कोहलिक KOH का इंतजाम करते हैं, फिर इसमें या इसमें से किसी एक को हम अल्फा मान, एक को मान लीजिए कि ये अल्फा है, अगर ये अल्फा हो गया, जैसे अभी हम इसको ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे कि ये अल्फा कार्बन हो, ये कार्बन अल्फा हो गया तो ये कार्बन क्या हो गया, बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन यानी ये हाइड्रोजन को हटाएंगे और ये इसको हटाएंगे, यहाँ से क्या होगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा, यहाँ से ये ब्रोमीन हट जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये बी आर इसके साथ निकल जाएगा और एच जो है वो इसके साथ बना के H2O बना देगा, तो क्या क्या बन के निकलेगा, KBr,
ये बी आर इसके साथ निकल जाएगा और एच जो है इसको एच के साथ निकल जाएगा तो एच टू ओ बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी आ गया। अभी भी हमारे पास जो है हेलोजन है, तो अगर ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो जाएगा, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, तो फिर से हम लोग जो है डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आप देंगे एल्कोहलिक, ये बच जाएंगे, क्या क्या बन के निकलेगा, ए बी आर निकलेगा बन के और एच टू ओ बन के निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये से बी आर हट जाएगा, ए बी आर के साथ के बी आर बनेगा और ये एच जो है इसके साथ इस ये जो एच जो है इस टू एच के साथ मिलकर एच टू ओ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा जैसे ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया और एक और बॉन्ड क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया। तो दो बार हमको क्या कराना है, डीहाइड्रो हेलोजनेशन कराना है या दो बार जो है बीटा एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, तो हमारा हो गया ये कन्वर्ट, क्लियर। अब हमको नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये हो गया हमारा इथेनॉल। ठीक है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इथाइल फ्लोराइड। हम इसे कन्वर्ट करेंगे इथाइल क्लोराइड, यही हमारा क्वेश्चन है। यानी OH को हम लोग क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन हमको जानते हैं कि डायरेक्ट जो हम इसको OH ग्रुप को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वायलेंट रिएक्शन होता है। क्लोराइड हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो हम जो है स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करेंगे, है ना। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है और फिंकिंस्टन रिएक्शन होता है। फिंकिंस्टन रिएक्शन से आयोडाइड बनाते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोराइड बनाते हैं। तो उसके पहले क्या करना है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसको क्लोराइड में या ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लोराइड में या ब्रोमाइड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसका बहुत सारा एजेंट है, PCl5 है, है ना, PCl3 है, PBr3 है, SOCl2 है, HCl है, HBr है, है ना, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन लिक्विड यूज कर सकते हैं। ये सारा है जहां हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में ये सब पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो मन हो जाए। चलो हम यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड का यूज करेंगे, तो इसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग पी बी आर थ्री का यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो अब हम लोग दिया हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत आसान है, PCl5, PCl3, SOCl2 किसी को भी यूज कर सकते हैं, है ना, इसको भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन में बदल के। अब हम जो है यहाँ से जो है करवाएंगे स्वार
रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है। इसमें जनरली जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मॉइस्ट सिल्वर फ्लोराइड। क्या यूज करते हैं, मॉइस्ट सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं, तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, AgBr बन के निकल जाएगा और क्लोरीन जो है आ जाएगा। ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ठीक है। ये है हमारा कन्वर्जन, इसका बहुत आसान है ये। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोमीथेन प्लस प्रोपेनॉल। पहले स्ट्रक्चर तो बना लें ब्रोमोमीथेन और प्रोपेनॉल का। तो ब्रोमोमीथेन बोल रहा है ब्रोमो, ये हुआ ब्रोमो, ब्रोमोमीथेन ये है ब्रोमोमीथेन, और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल। कार्बन इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी अपग्रेडेशन करा रहे हैं। एक कार्बन है और इधर तीन कार्बन है, तो दो कार्बन को बढ़ाना है। दो कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा एजेंट यूज करते हैं जनरली, सोडियम इथिनाइड, सोडियम इथिनाइड यूज करते हैं। तो सोडियम इथिनाइड से इसका रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। वो यहाँ पर ब्रोमीन है, सोडियम इथिनाइड का हम यूज करेंगे जब हमारे पास है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में अगर दो कार्बन बढ़ाना हो, हेलो एल्केन में अगर दो कार्बन बढ़ाना हो तो उसका रिएक्शन हम सोडियम इथिनाइड से करवा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सोडियम इथिनाइड का यूज करेंगे, दो कार्बन बच जाएगा। सोडियम इथिनाइड का है Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है सोडियम इथिनाइड, सोडियम इथिनाइड इसी से हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, NaBr इसके साथ निकल जाता है और ये जाकर के यहाँ आ जाता है। और ये जो है अटैच हो जाएगा, Br निकल गया इसके साथ NaBr, ये जगह खाली हो गया, तो दो कार्बन हमने बढ़ा लिया। अब तो कार्बन हमको तीन हो गया, अब हमको कीटोन बनाना, ठीक है, कीटोन हमको बनाना है। तो इसमें हम लोग एक कीटो इनॉल सिस्टम जानते हैं कि कीटोन और अल्कोहल दोनों एक साथ होगा तो चलेगा, डब कीटो इनॉल सिस्टम में हम लोग ले आएंगे इसको। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो है लिमिटेड हाइड्रेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, लिमिटेड हाइड्रेशन करवाएंगे, ठीक है। लिमिटेड हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से, रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाएंगे H2O से, ठीक है, H2H, हमने वाटर को वह लिखा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, HgSO4, ठीक है, ये कंपाउंड हम लोग लेंगे, ठीक है, और ये हम लोग लेंगे और एक दो बूंद उसमें जो है थोड़ा एसिड डाल देंगे। HgSO4 देंगे, एसिडिक हो ही जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, HgSO4 देंगे तो एसिडिक हो ही जाएगा, उसमें कोई एसिड नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो बूंद डाल दिए तो अच्छी अच्छी बात होगी। तो हम लोग देंगे सिल्वर मर्क्यूरस सल्फाइड ले लेंगे, ठीक है, यहाँ वाटर से रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है, जानते ही हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हम यहाँ पर हाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से भी करवा सकते हैं,
HgSO4 के जगह सल्फ्यूरिक एसिड से भी हाइड्रेशन करवा सकते थे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन करेगा और ये दोनों, ये जो ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पूरे ही हट जाएगा, ठीक है, हमको डबल बॉन्ड रखना है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का ज़रूरत है, तो डबल बॉन्ड हमको रखना है, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, उसमें से एक बॉन्ड को हटाएंगे और दो बॉन्ड को रखेंगे, तो लिमिटेड डी हम लोगों को लिमिटेड हाइड्रेशन करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं करेंगे, कंप्लीट हाइड्रेशन करवाएंगे तो दोनों बॉन्ड हट जाएगा, तब सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो फिर हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिमिटेड, इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाल रहे, हाइड्रेशन हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि वो कंप्लीट हाइड्रेशन कर देगा, दोनों ही जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा, ये भी पाई बॉन्ड हटा देगा, ये भी पाई बॉन्ड हटा देगा, है ना, दो दो OH मॉलिक्यूल जो है अटैच कर देगा, लेकिन हमको एक ही हटाना है, उस केस में हम लोग HgSO4 का यूज करेंगे, तो ये जो है हमारा काम लिमिटेड हाइड्रेशन का काम हो जाएगा, ठीक है, तो बनेगा ये जब देंगे तो बनेगा, यहाँ पर देखो ये जो है एक बॉन्ड टूटेगा तो H किधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है तो डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और इधर इधर OH आएगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस, उसी तरह से H प्लस इधर आएगा, H प्लस इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पेरोक्साइड का यूज़ नहीं किए हैं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो H प्लस उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, H प्लस किधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं इस कार्बन पर, इधर एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये H प्लस जो है इधर ही आएगा, इसी कार्बन पर आएगा क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा है मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है, और ये एच प्लस आ जाएगा इस पर और OH माइनस आ जाएगा इस पर, क्योंकि ये जो शिफ्ट होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये OH माइनस इस पर आएगा और एच जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, हम इसको जरा इसमें देखो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड भी है एल्कोहल है, इसको इनॉल बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा इनॉल, ये मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये है सेम कार्बन पर, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर OH है, ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको बोलते हैं इनॉल, और ये जो है ना अनस्टेबल है, इसके कीटोन में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम में होता है, अपने रीअरेंजमेंट होते रहता है, ठीक है, तो अब हमको कुछ करना नहीं है, बस ऐसा एक और एरो दे देता है, इससे इसमें कन्वर्ट होते रहता है, कैसे कन्वर्ट होता है, ये जैसे यहाँ बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये एफ जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ H प्लस रिलीज हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H प्लस आके अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इनॉल हो गया और ये हो गया कीटोन, तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं कीटो इनॉल सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कीटो इनॉल सिस्टम, रीअरेंजमेंट अपना होते रहा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी अकेले ये मिलेगा, ये दोनों साथ में हमेशा मिलेगा, थोड़ा ये रहेगा थोड़ा ये रहेगा, ठीक है ना, यही कीटोइनॉल तो हमको मिल गया ना, प्रोपानॉल, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट
कर सकते, ठीक है। और इससे इसमें कन्वर्ट होगा, इससे इसमें कन्वर्ट होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, एच प्लस निकला और यहाँ आके अटैच हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो आगे फिर ये सिस्टम तो इस दोनों में जो है कन्वर्जन चलता रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, दोनों चीज़ एक साथ फॉर्म होते रहता है और डिस्ट्रॉय होता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कीटो इनॉल सिस्टम में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कीटो, यहाँ पर लिख सकते हो कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा ब्यूट वन ए नी, एक दो तीन चार, ब्यूट वन ए नी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये हो गया हमारा ब्यूट वन ई एन पी, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, ब्यूट टू ई एन ई, यहाँ पर होगा ठीक है, ये ब्यूट टू ई एन ई हो गया, ब्यूट वन ई एन ई से ब्यूट टू ई एन ई में कन्वर्ट कर, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के बाद हमको पता चल जाता है कि क्या क्या करना है, यानी डबल बॉन्ड को हमको यहाँ से यही करना है और कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्टली शिफ्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड को रिमूव करके फिर नया डबल बॉन्ड हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करना, डबल बॉन्ड रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करा देंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कराएंगे, HBr का हाइड्रोजन जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएंगे, यही मेथड है जिसके साथ हम लोग बनाते हैं। अगर हमको एल्किन से कहेगा हेलो एल्केन बनाने के लिए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कराते हैं ना, तो उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है HBr, क्योंकि इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ मार्कोनिक ऑफ एडिशन दोनों होता है, HCl के केस में दोनों नहीं होता है, HI के केस में दोनों नहीं होता है, HBr के केस में मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ दोनों होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफरेबल ऑप्शन हम लोगों का वही होता है एडिशन ऑफ HBr, क्योंकि उसमें दोनों संभव है ना, तो इसलिए हम लोग जो है HBr का एडिशन कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन मिलेगा, फिर हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, क्या करवाएंगे हम लोग, बीटा एलिमिनेशन करा देंगे, डिहाइड्रोहैलोजनेशन करा देंगे, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हम लोग जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड कराते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड करवा रहे हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CH2 है, इस कार्बन पर CH2 है ना, दो ही हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पर यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यानी इसी कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसी कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन वहाँ हुआ है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका मतलब मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना पड़ेगा, तभी ना हाइड्रोजन जाएगा और बढ़ जाएगा हाइड्रोजन, उसके पास दो है ऑलरेडी, दो से जो है तीन हो गया, एक हाइड्रोजन बढ़ा, यानी हमको हाइड्रोजन का एडिशन इसी कार्बन पर करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं दोनों कार्बन का क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है, कि इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, यानी इसके ऊपर कम है हाइड्रोजन, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन में संभव है, एंटी मार्कोनिक ऑफ में संभव
नहीं है, इसलिए हम आर्गेनिक ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे, यानी पेरोक्साइड का कोई यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ SBR का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस पर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इस पर जाएगा और ये BR जो है इस पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, ये BR इधर आएगा। जो है बीटा एलिमिनेशन करा देंगे तब ना फिर से डबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि बीटा एलिमिनेशन कराना है, ये तो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, यानी ये भी एलिमिनेट हो सकता है, ये भी एलिमिनेट हो सकता है। अगर ये हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन हो जाएगा लेकिन यहाँ दो तीन हाइड्रोजन, यानी इसको हमको एलिमिनेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मनमौजी भी नहीं है, क्यों नहीं करना है, ठीक है। रिमूव तो होगा ये भी और रिमूव तो होगा ये भी, लेकिन यहाँ से जो बनेगा प्रोडक्ट, ये जो रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन या है, ये तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो लेस क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कम होगा। जब इस यहाँ से हम बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो अल्काइल ग्रुप सिर्फ इधर रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन जब इसको हम रिमूव करेंगे या इसको रिमूव करेंगे तो एक अल्काइल ग्रुप इधर मिलेगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर मिलेगा, यानी ज़्यादा स्टेबल हो। सेट जैफ रूल याद करना है, सेट जैफ रूल, जब हम डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराते हैं तो सेट जैफ रूल को याद करते हैं। तो सेट जैफ रूल क्या कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, उस बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल जो है प्रीफर होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप तैयार होता है, ठीक है, यानी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और उस बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल कम होगा जो कि जिससे कि कम जो है अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो अगर हम इस ये तीनों में से किसी को हटाते हैं तो ये तो CH2 ग्रुप हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा, तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप इधर ही मिलेगा, ये बात एक ही अल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर ये दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप इधर हो जाता है, दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर हो जाता है, दो दो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम जो है किसी बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को, इसको हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाना ही नहीं है। अब हम लोग समझ गए कि अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है, कहा देते हैं सबको लिखने क्या दे देते हैं, समझ गए ना, ठीक है। इधर से ये निकलेगा और ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ये एक्स प्लस यहाँ निकलेगा, ये बी आर यहाँ निकलेगा। अब हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH ना बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो क्या बन के निकलेगा, KBr, और ये एच क्या करेगा, OH के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, वाटर, तो डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पर, आ गया डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट जो हमारा टारगेटेड वो बन गया, ठीक है।